मैंने उतार दिए नेम को, सॉरी, उड़ रही है चीजें। तो ये देखिए, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो है वो सेल का हॉल लेकर आई हूँ। इट्स नॉट सेल हॉल, इट्स एक वेबसाइट है जो कि सेल से भी कम प्राइस में जो है ना वो ज्वेलरी बेचती है। एज यू ऑल नो, आई रियली लव ज्वेलरी और मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, लेकिन मैं इयररिंग्स, आपने अभी भी देखा होगा, मैं नहीं पहनती। तो इयररिंग्स का ये है कि मैं बहुत कम इयररिंग्स पहनती हूँ, बहुत ही कम। तो मुझे ना अभी थोड़े, जब मैंने एक दो लिए तो आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया कि प्लीज़ इयररिंग्स पहना करें, अच्छे लगते हैं आप पे। तो मुझे था कि चलो मैं ट्राई करती हूँ इयररिंग्स के लिए। तो मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी, तो उसमें फिर एक इंस्टाग्राम पे मुझे एक वेबसाइट का एड आना शुरू हो गया। तो मैंने उसको जब क्लिक किया तो आई वॉज अमेज्ड कि वहाँ पर ज्वेलरी इतनी सस्ती थी। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद खरीदे हैं, खुद मंगवाए, उस वेबसाइट को पता भी नहीं है। तो खैर, मैंने जब उनको उनसे चीज़ें, मुझे था पहले मैं एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, तो वो डालते डालते मैंने इतनी चीज़ें डाल दी थी, तो काफ़ी फिर मैंने कम की। और मुझे था मैं एक दफ़ा देख लूँ, ऐसा ना उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो और मैं इतनी मंगवा लूँ और बाद में मैं पछता रही हूँ कि भाई मैंने इतनी चीज़ें मंगवा ली और ये तो इतनी अच्छी क्वालिटी की है ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, अभी भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। वीडियो लॉन्ग होने वाली है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीजें हैं जो कि मैंने इस वेबसाइट से मंगवाई है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं। और बहुत रीजनेबल है, हर एक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इनकी प्राइस यहां पर मैं लिखती जाऊंगी क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है। और इसका बिल जो है ना, उसमें जो चीजें लिखी है उसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन सी चीज को क्या लिखा हुआ, लेकिन यह है कि जो बिल उन्होंने उधर बताया था वही भी जो है। तो सबसे पहले मैं प्राइस बता रही हूँ, मैं इधर मेंशन करती जाऊंगी ताकि आप लोग पता चले कि ये कितनी रीजनेबल इयररिंग्स हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो आती है ये इयररिंग्स, बस हौसला नहीं था मेरे खोल लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले है ये वाले इयररिंग्स, ये इट्स बिग साइज इयररिंग्स हैं और इसको अगर पहना जाए कानों में, मैं देखती हूँ अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी से मैं आपको वीडियो बना के दे दूँ, मुझे लगता है बहुत लंबी होने वाली है वीडियो। तो मैं हर एक आपको पहन के भी दिखाती हूँ। ये जो है ये, होल्ड ऑन, ओह माय गॉड, इट लुक्स सो नाइस। और वाकई सही बात है, जब आप इयररिंग्स पहनते हो ना, आप देखिए यहाँ मैंने नहीं पहना, यहाँ मैंने इयररिंग पहना, तो आपकी लुक बहुत चेंज होती है। तो ये इयररिंग है, प्राइस इधर मेंशन कर दूंगी मैं, एंड सारे इयररिंग्स बहुत ही रीजनेबल थे। दिस इज गोल्डन मेटालिक है, आई थॉट पता नहीं प्लास्टिक की है, सारी चीज़ें इतनी सस्ती सस्ती मिल रही हैं तो ये प्लास्टिक की होंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हाउ डज इट लुक, बहुत प्यारी इसकी एक लुक आ रही है और बहुत एलिगेंट सी लुक आ रही है। तो एक अदद मैंने लिए हैं ये वाले और मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि इसकी कितनी हसीन सी लुक है। और ये जैसे जैसे पेज को ऐसे क्रम्पल किया हुआ ना, उस तरह की लुक आ रही है। तो पहले नंबर की इयररिंग तो ये वाली है। अब आते हैं सेकंड नंबर इयररिंग पे। सेकंड नंबर की इयररिंग है ये वाली, इनमें से हो सकता है एक मैं पहन के बैठ जाऊँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ कानों में। तो ये वाली इयररिंग है, प्राइसेस इधर नहीं लिखी भी, और इसमें जो है ना पर्ल्स हैं सारे। तो मुझे तो मेरे बहुत सारे कपड़े पर्ल्स वाले बनते हैं, होते भी हैं, उनमें पर्ल्स होते हैं, तो मैं ये वाली जो है ना इयररिंग्स मंगवा लेती हूँ। बहुत सारी वेराइटी है, सीरियसली यू आर गोना लव इट। तो ये देखिए आप, सी कितने प्यारे, उसका भी पहन लेती हूँ। अच्छा, इन्होंने ना बहुत सारे स्टॉपर साथ में ना फ्री में दिए हैं। चलो मैं एक एक करके पहनती जाऊं क्योंकि फिर बाद में तो मैंने उतार दिए नहीं उनको, सॉरी, उड़ रही है चीजें। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना कान में। सो एक अदद मैंने लिए है ये पर्ल वाले इयररिंग्स एंड बहुत प्यारे हैं ये वाले, बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स हैं। मैं आपको जरा दिखा देती हूँ, ठीक है, एक अदद ये हैं और इंशाल्लाह ताला मैं फ्यूचर में इनसे और भी बहुत कुछ मंगवाऊंगी। ये है थर्ड पेयर, ये तो बहुत ही रीजनेबल था, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन प्राइस आपको नजर आ रही होगी, जो नीचे है वही प्राइस है। ये आप देख लेना कितने प्यारे इयररिंग्स हैं, हसीन चेन बनी हुई है, मैट ब्लैक एंड वाइट में चेन है। और इसके साथ जो था ना, इसके साथ जो दूसरा पेयर था
वो ऐसे उसमें कलर्स की ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं. लाइक अगर आपने एक की मंगवाया है तो इसके साथ इतनी ज़्यादा कलर्स की ऑप्शन थी, जैसे कुछ की तो पाँच छः कलर्स की ऑप्शन थी. तो ये जो है इसके साथ एक ही कलर की ऑप्शन थी, वो था स्किन कैमल कलर या स्किन कलर यू कैन से. नहीं प्यारी लग रही. नहीं, आपने ये गोल्डन और सिल्वर और इस टाइप की ज्वेलरी जो है ना, वो आपके हर कपड़ों से चल जाती है. आई रियली लाइक, पहले तो मैं बिल्कुल भी इयररिंग्स नहीं पहनती थी, अब मेरा बड़ा दिल चाहता है इयररिंग्स पहनने को. तो इसको मैं करीब से दिखा देती हूँ आपको. ये देखिए, ये है चेन. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद रखिएगा, मैं आपको इसकी जो है ना वो पूरी डिटेल दे दूंगी. हाँ जी, ये वाली इयररिंग जो है ना, उसने मैंने पहन ली थी, इसलिए ओपन है. और ये भी बहुत प्यारी. आई थॉट ये सारी ना इयररिंग जब इतनी सस्ती दे रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है प्लास्टिक की होंगी, बट ये प्लास्टिक नहीं है. एक सेकेंड इसके साथ. ये देखिए कितनी प्यारी है. ये जो उस दिन मैंने पहने हुए थे कपड़े, उसके साथ की मैचिंग इयररिंग्स हैं. और कानों में इतनी प्यारी लगती है ना, यू लुक सो नाइस एंड सो एलिगेंट. ऐसी ज्वेलरी जो मैं भी पहन सकती हूँ, मेरी बेटी भी पहन सकती है. कितनी मजे की है. और ये सारी मेटेलिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है. कितने पेयर हो गए? 4. और मैंने बहुत मंगवाई है ज्वेलरी. ये जो व्लॉग है ना, बहुत लंबा होने वाला है. अच्छा जी, उसके बाद आते हैं, ये कुछ चीज़ें मेरी बेटी की है. आई विल बी शोइंग यू, लेकिन आई विल नॉट वेयर इट. हाँ जी, ये देखिए ना जरा. आई एम सो एक्साइटेड. मैंने काफ़ी दिनों से इसका व्लॉग मीन्स अनबॉक्सिंग शेयर ही नहीं की थी, तो मुझे था कि मुझे पहनने हैं. तो ये है इयररिंग्स, एंड ये तो आई थिंक 199 के थे. ये ब्लू कलर का है, और जैसे मेरी ये रिंग है उस तरह का ब्लू कलर है. और मैं ये किसी भी कपड़ों के साथ पहन सकती हूँ. और हर पेयर के साथ ना इन्होंने 3 स्टॉपर्स दिए. सी, ये ब्लू है, इसमें मैंने 2 कलर्स मंगवाए. कितनी प्यारी लग रही. सो ये ज़रा मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ. एक एक मैं इसलिए पहन रही हूँ, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा. पूरी वीडियो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पूरी देख सकेगा. ये देखें कितनी प्यारी ब्लू कलर की इयररिंग्स हैं. एंड अच्छी लेंथ भी बहुत लंबी और बहुत छोटी नहीं है. और ये किसी भी आपको वेबसाइट पर ना इतनी सस्ती ज्वेलरी नहीं पड़ेगी. हाँ जी, ये है नेक्स्ट वन. आई थॉट ये प्लास्टिक है, बट ये प्लास्टिक नहीं है, ये मेटेलिक है. और ये भी बहुत रीजनेबल थी. अब ये जो कपड़े मैंने पहने हुए, इसमें बहुत सारे कलर है, रेड भी है, पिंक भी है. तो ये बहुत सारे कपड़ों के साथ जो है ना, मेरी ये ज्वेलरी चल जाएगी. मैं सब दूसरा स्टॉप पर लेती हूँ. ये इतनी प्यारी ज्वेलरी है. मैं इंस्टाग्राम में, अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर ले. तो वहां पर मैं इन सारी ज्वेलरी की इंशाल्लाह ताला कमिंग फ्यूचर में जो है ना, सारी या तो स्टोरीज में डाल दूंगी, या मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर कर दूंगी कि ये जो ज्वेलरी है ये पहन के कैसी लगती है. तो आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो उसका हैंडल जो है ना, वो नीचे मैं बार बार दे दूंगी. हर फैब लाइफ लिखेंगे तो मैं, मेरा जो है वो चैनल आ जाए, वो आ जाएगा पेज. ये देखिए जरा कितना. और ये सारी उभरी हुई आपको नजर आ रही होगी, ये उभरा हुआ है सारा. एंड मेटेलिक है, पिंक एंड वाइट कलर में. इसमें बहुत सारे कलर्स थे, 5-6 कलर्स थे. अच्छा जी, कम बैक टू दिस वन. अच्छा, एक अदद मैंने सेट मंगवाया, मुझे था कि चेक करती हूँ कैसा है. ये 900 का था, ये मुझे याद है कि ये 900 का था. ये सेट है पूरा, और इसके साथ जो है वो ये है नेकलेस, मीन्स एक चेन है. ये 900 का था. ये आप गले में पहन सकती हैं, अभी मैं पहन लेती हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं. Let me wear it. Oh God. ये देखिए, बट ये कि पसीने और परफ्यूम से आपने इसको थोड़ा सा बचा के रखना है. तो ये इसकी चेन है, ये
ग्रीन कलर का है और ये इसके इयररिंग्स हैं। हाँ जी, ये इयररिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं इयररिंग्स है। मैं करीब से दिखा देती हूँ और ये चेन है और इसमें ग्रीन कलर के बीड्स है। मैं ये आपको जब उतार के दिखाऊंगी ना करीब से, तब आपको बहुत अच्छा सा नजर आएगा। चलेंगे, सब मैंने पहना हुआ है, या मैं इधर छोटी सी इसकी क्लिप डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये उतर नहीं रहा है एंड मुझे है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, ये एक मैंने लिया है, ये 900 का ये था, मुझे याद है। और एक जो मैंने ब्लू वाला लिया है उसके साथ ऑरेंज कलर का लिया, क्योंकि मैंने मेरे दो तीन नए जोड़े ऐसे हैं जो कि ऑरेंज ऑरेंज कलर के हैं। तो मुझे मैं दिखा दूं पहले करीब से आपको, ठीक है। एंड मुझे था एक ही दफा अच्छी सी ज्वेलरी मंगवा लूंगी, पहले तो मैं हेजिटेंट थी, लेकिन ये आप देखिए ये अच्छी लग रही है। पहले मुझे था कि मैं मंगवाऊं ना मंगवाऊं, लेकिन फिर मुझे था कि चलो मंगवा के देख लेती हूँ। ये जो सारी ज्वेलरी है ना, ये मुझे शिपिंग के साथ 4000 की पड़ी है। तो ये मैं दोबारा दिखा दूं कि ये, और ये कहीं पर भी आपको इतनी सस्ती नहीं पड़ेगी। और इयररिंग्स का ये होता है कि इयररिंग्स तो आप ना उस उधर परफ्यूम नहीं लगाते, जैसे हाथों में पसीने वगैरह आते हैं, तो इयररिंग्स तो इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते। हाँ जी, ये मेरा बड़ा फेवरेट। पहले मैं दिखा दूं, ये भी वैसी ही चेन बनी हुई है, सॉरी, लेकिन इसके ऊपर जो है ना, इसके दो कलर्स थे, इस पर डायमंड टीज हैं, और इसके दो कलर थे, एक गोल्डन था एक सिल्वर था, क्योंकि गोल्डन मैंने ब्लैक के साथ चेन मंगवा ली थी, तो मुझे था कि मैं जो है ना सिल्वर ही मंगवा लेती हूँ। तो ये मैंने सिल्वर कलर के इयररिंग्स मंगवाए, देखिए अच्छे लग रहे हैं। एंड इट हैज ग्लिटर इन इट ना, लाइक बहुत लंबे लंबे नहीं है, बहुत डिसेंट सी लुक देने वाले हैं। तो मैंने सीरियसली, मुझे था हम दोनों माँ बेटी मिलके पहन लेंगे। सो यू कैन सी कितनी प्यारी इसकी लुक है, और क्वालिटी मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी आएगी। तो ये रिंग जो है वो मेरी बेटी ने मंगवाई है, आई डोंट वेयर सच ज्वेलरी, बट ये बिल्कुल मेरे कपड़ों से मैचिंग है, और ये एडजस्टेबल रिंग है, देख सकते हैं आप, दिस इज एडजस्टेबल रिंग। एंड इसमें सिर्फ ये कलर रह गया था और एक पता नहीं पर्पल कलर रह गया था, बाकी जो है वो सोल्ड आउट थे, बट ये कि ये रिंग जो है ये आप देखिए इस तरह की, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये एक अदद सेट है जो मेरी बेटी का है, इवन आई कैन वेयर, लेकिन मैं ना मेरे कानों में बहुत सुराख हैं, अभी मैं पहनती कुछ नहीं हूँ, इधर 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 तक सुराख है, ये तकरीबन चार चार है। तो वो मैं अपनी बेटी के लिए मंगवाई, क्योंकि उसके कान में भी, आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे, तो उसके कान में भी बहुत ज़्यादा सुराख है। तो ये आप देखें कितनी बहुत सारी इसमें बालियाँ हैं, एक अदद ये है, एक छोटा सा चांद बना हुआ है, ये एक छोटी सी बाली है, आई होप आप लोगों को क्लियर नजर आ रही होगी, और एक अदद ये बाली है, ये पता नहीं ए लिखा है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नहीं ट्रायंगल बना हुआ है, और एक अदद फ्लावर बना हुआ है, और ये खैर क्रॉस बना हुआ है तो वो नहीं पहनेगी, और एक छोटा सा ऐसे मोती सा बना हुआ है। तो ये सारी जो है, आई थिंक जो भी प्राइस थी वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, बहुत सस्ती ज्वेलरी है। सॉरी मुझे प्राइसेस याद नहीं है, इसलिए मुझे अभी दोबारा से इन सब की प्राइसेस ढूंढनी पड़ेंगी आप लोगों के लिए, लेकिन ये मुझे पता है कि ये मैंने टोटल इसका दिया था 4000 रुपीज शिपिंग समेत। अच्छा जी, अब आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट पे, ये बहुत प्यारा था, सीरियसली आई थिंक इट वॉज, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ये प्राइस आप देख के ना हैरान रह जाएंगे कि ये पूरे का पूरा सेट है। पहले मैं आपको सेट दिखा दूं पहन ले, कि मुझे बहुत जल्दी पड़ेगी। ये देखिए, ये है इसके दो अदद इयररिंग्स, सी बहुत प्यारा डिजाइन है, बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट, ठीक है। ये दो अदद
इयररिंग्स, ये है इसकी रिंग, बिग रिंग, सीरियसली ये जो एक रिंग है ना ये इस प्राइस में नहीं आनी। और ये है इसका एक अदद, अगर आप जैसे मेरे गले में चेन होती है तो मैं ये उसमें डाल सकती हूँ। ये देख लेंगे पूरा सेट जो है ना, ये पूरे का पूरा सेट, ये पूरा सेट जो है ना, ये प्राइस अब नीचे आपको नजर आ रहा होगा कितने का है, बट इट्स वेरी रीजनेबल। सीरियसली मैं सर एक कान में पहन के दिखाऊं, और ये मुझे था कि मैं ईद पे पहनूंगी। सी कितनी प्यारी, कितना प्यारा ये रिंग है। सो खैर अभी मैं यही पहन लेती हूँ, ये नहीं, अब मैं पहनूंगी वाइट वाला। ज्वेलरी का ना ढेर लगा हुआ है मेरे आस पास, यहां वहां। और भी इतनी ज्वेलरी थी, चूड़ियां थी, ब्रेसलेट्स थे, अंगूठियां थी, लेकिन मैंने नहीं मंगवाई। मेरे पास बहुत ज्यादा वो चीजें, मेरे पास इयररिंग्स नहीं थे, एज यू ऑल नो मैं इयररिंग्स पहनती नहीं थी। मेरे पास गोल्ड के इयररिंग्स है, वो भी मैं किसी फंक्शन पे जाती हूँ ना तो मैं बड़ी इरिटेट होना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल आदत नहीं रही है। एंड माई डॉटर वॉज लाइक मम्मा यू शुड वेयर समथिंग, तो वो ये होता है कि फिर आपके कानों को आदत हो जाती है तो आपको इतना अजीब सा लगता नहीं है। तो इस वजह से मुझे था कि चलो मैं इयररिंग्स पहनना शुरू करती हूँ। एज यू ऑल कैन सी इट लुक सो डिसेंट, सो नाइस, सीरियसली बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए ना जरा, पहन लिए मैंने ये वाले इयररिंग्स। तो मैंने जो है ना इस वजह से कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि अगर आप ये इयररिंग्स नहीं पहनेंगी तो आप कानों को बिल्कुल, मेरे सीरियसली कानों को आदत नहीं है, अब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पहनती, सिर्फ मैं, मेरे हाथ में ब्रेसलेट्स होते थे और अंगूठियाँ होती थी और गले में भी बस एक आध चेन होती, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनती। तो वो ये है कि अब मुझे था कि चलो मैं इयररिंग्स, और ये इतने हैवी है ही नहीं कि आप पहनो तो आपको बर्डनाइज हो, तो लेकिन ये कि ये बहुत ही अच्छे जो है ना इयररिंग्स हैं। सीरियसली मुझे तो सारे बहुत अच्छे लगे। इस वेबसाइट पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, सिर्फ इयररिंग्स नहीं मिलेंगे इस वेबसाइट पे आपको, ब्रेसलेट्स, चूड़ियाँ, और यू नेम इट यू कैन फाइंड इट देयर। तो ये है कि आप लोग जाएं वेबसाइट जाके चेक करें, आपको अच्छी लगेगी। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, आप लोगों को जो है ना वेबसाइट अच्छी लगी तो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिएगा और ओपन करके एक दफ़ा देख लें कि ये सारी चीज़ें जो है ना, और सीरियसली ये सारी चीजें जो है रीजनेबल ज्वेलरी के लिए, जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने आप लोगों को रीजनेबल ज्वेलरी दिखा दी। एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट आई विल बी वेयरिंग दिस ज्वेलरी इन माय कमिंग फ्यूचर नियर, जो व्लॉग होंगे मेरे इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में, तो वो आप लोगों को मैं ये ज्वेलरी पहने हुए नजर आऊंगी। हो सकता है मैं और भी मंगवाऊँ, क्योंकि तो ट्रायल था कि कैसी है, लेकिन रीजनेबल प्राइस में मुझे बहुत अच्छी ज्वेलरी मिली। सो खैरियत है मेरा आज का व्लॉग, मुझे पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। दे कॉल मी सैसी व्हेन आई एम स्ट्रोलिंग डाउन द स्ट्रीट, दे कॉल मी क्लासी व्हेन आई एम सर्विंग जस्ट द बेस्ट, आई कैन बी डेडली व्हेन